साइबर ठगी का सबसे नया तरीका, ना ओटीपी, ना एटीएम पिन, ना ही और कोई डिटेल्स, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज और आर्मी जवान के नाम पर मेडिकल संचालक से ठग लिए 70,000। दिनों साइबर ठगी करने वाले नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड क्षेत्र की है, जहां एक मेडिकल संचालक को फर्जी मैसेज कर उनसे 70,000 रुपए की ठगी की गई है। पहले तो भावनाओं में बहकाया और आर्मी होने का दावा किया और दवा लेने के लिए मेडिकल संचालक को फोन किया गया। उसके बाद मेडिकल संचालक ने दवा पैक कर 3100 का बिल व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसके बाद मेडिकल संचालक को कथित आर्मी जवान ने 13,100 रुपए का सिर्फ मैसेज भेज दिए और मेडिकल संचालक को लगा कि 13,100 रुपया आ गया, लेकिन 13,100 आया नहीं था, सिर्फ मैसेज आया था और मेडिकल संचालक ने उसे बताया कि 3100 है, आपने 13,100 भेज दिया। जिसके बाद साइबर ठग ने मेडिकल संचालक से अपने फोन पे पर पैसा वापस मांग लिया और फिर से 20,000 का 3 बार पेमेंट का मैसेज साइबर ठग ने किया गया और बदले में मेडिकल संचालक से 70,000 रुपए फोन पे पर डलवा लिया। उसके बाद जब मेडिकल संचालक ने अपना अकाउंट चेक किया तो देखा कि उसके अकाउंट पर पैसा आया ही नहीं है, तब उन्हें लगा कि उसके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया है। फिलहाल मामले को लेकर मेडिकल संचालक ने हिरनपुर थाना में लिखित शिकायत की है। मेरा साथ कल जो है कि कुछ अचानक ठगी हो चुका है। मेरा रात को कॉल आया था, कॉल में बोला गया था कि हम लोग इंडियन आर्मी है तो कुछ हम लोग का दवा चाहिए था, तो कुछ दवा है तो क्या आपका इसमें व्हाट्सएप चलता है, कुछ दवा मेरे पास लिस्ट है तो क्या सेंड करें। अच्छा ठीक है सेंड करिए, तो सेंड किया, देखे तो कि हाँ दवा अवेलेबल हो जाएगा, तो दवा सब जो है कि देख सुन के पैक कर दिए और उसके बाद जितना बिल हुआ 3100 रुपया का बिल बना था तो कल जो है कि बता दिए यहाँ 3100 रुपये बिल हो गए, तो बोला कि बिल सेंड कीजिए आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। तो उसके बाद जैसे हम बिल सेंड किए तो एक मैसेज आया, तो उसमें मैसेज में देखे कि 13,100 का मैसेज आया, तो हम बोले कि सर जी 13,100 का बिल भेज दिया, मेरा तो 3,100 था। बोले ओ सर जी 10,000 रुपये ज़्यादा चला गया, तो हमको जो है कि फ़ोन पे कर दीजिए, तो कृपया करके फ़ोन पे कर दीजिए, तो हम फ़ोन पे कर दिए। उसके बाद बोले सर एक हेल्प चाहिए था, मेरा कुछ और पैसा भेजना था लेकिन मेरा वो अकाउंट में जा नहीं रहा, तो इस तरह करके वो 2-3 बार पैसा भेजा और मैसेज भी देखे लेकिन मेरा हम जो है कि अकाउंट चेक नहीं किए थे, तो मैसेज में देखे कि हाँ 20,000 करके 3 बार पैसा वो भेज चुका है, तो 3 बार पैसा भेजा और पहले जो 10,000 रुपये ज़्यादा आया था वो लेकर मेरा साथ 70,000 रुपया का ज़्यादा चला गया। और इस विषय पर जो है कि हिरनपुर थाना में जाके एप्लीकेशन दिए। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।